तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वादा भाई लोग, ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है अपने चैनल से। अपना चैनल था व्लॉग का, बट आज हम लोग करने वाले इस पर टॉप स्पीड चेक। बाकी अपने पास है एक नई बाइक पल्सर 150, क्योंकि ये अपनी भाई है स्पॉन्सर राइड। तो आज हम लोग को मिल रहा है मौका 150 को राइड करने का, टॉप स्पीड निकालने का। तो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं आप लोग टॉप स्पीड की, कि कितनी टॉप स्पीड आती है और क्या प्राइस रहता है, क्या सीन रहता है इस बाइक के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बाकी भाई लोग, आप बाइक देख ही सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी बढ़िया कलर लग रहा है इसका, स्पेशली रेड कलर भाई, समझ रहे हो, रेड कलर। और कुछ अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं जैसे रेड एंड वाइट, ये सब कलर्स भाई मतलब दूर से दिखते हैं वैसे वाले कलर्स हैं। और आगे इसमें देख सकते हो ABS मिल जाता है, पीछे भी मिल जाता है, तो समझो डुअल चैनल ABS मिल रहा है 150 सेगमेंट की बाइक में, वो भी पल्सर में एंड 150 में। तो ये कुछ बाइक है और लुक तो आप देख ही पा रहे हो, बाकी इसकी आँखें देखो भाई, MT से तो कातिलाना आँखें इसकी लग रही है मेरे को भाई, इसकी काफ़ी ज़्यादा प्यारी शार्प सी आँखें। एंड एक बीच है प्रोजेक्टर, जो कि एडजस्टेबल नहीं हो सकता बट प्रोजेक्टर है भाई काम का, और काफ़ी बढ़िया इसकी लाइट क्वालिटी भी है। बाकी USD फोक्स नहीं मिलते हुए टेलीस्कोप वाले फोक्स मिल जाते हैं, मजा कर रहा हूँ। बाकी ये सब चीज़ें हैं। बाकी आगे टायर 100 सेक्शन का मिल जाता है, और जो पीछे जो आपको टायर मिलता है वो मिलता है 120 सेक्शन का। तो ये कुछ है, इस बार हम लोग करने वाले इसकी टॉप स्पीड। तो आज हम लोग टॉप स्पीड निकाल के रहेंगे। बाकी मीटर क्लस्टर आप देख ही सकते हो, तो कुछ इस तरीके का मीटर क्लस्टर है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। फिर से एक बार आपको ऑन करके दिखा सकता हूँ, रुक जाओ, तो आप लोग एक बार चेक करो, ऐसा कुछ क्लस्टर है। बाकी स्पीड का यहाँ पे दे रहा है इंडिकेशन, और गियर इंडिकेशन यहाँ दे रहा है, बैटरी का यहाँ दे रहा है, स्लाइड स्टैंड लगा है तो यहाँ पे एक इंडिकेट कर रहा है कि स्लाइड स्टैंड मतलब साइड का स्टैंड लगा है। बाकी इंजन लाइट ये रही, ABS का ये रहा, RPM लाइट ये रही, और न्यूटन का ये रहा। बाकी देख ही सकते हो ये कुछ है, कॉम्पैक्ट सी बाइक और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है सिटी यूज़ के लिए एंड डेली बेसिक के यूज़ के लिए, काफ़ी बढ़िया बाइक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस पर टॉप स्पीड चेक। तो क्या रहती है इसकी टॉप स्पीड, कौन कौन गैस कर सकता है, जो गैस कर सकता है वो भाई लोग पेल दो मतलब कमेंट में पेल दो कि इतनी ही आएगी। बाकी 5 गियर के साथ आती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 गियर स्पीड, बाकी तो बताने वाली बात है नहीं। बाकी किसी की मम्मी या बहन या दादी बैठना चाहती तो वो भी बैठ सकती, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ वाला वो भी मिलता है, तो इसलिए भाई बाइक और द बेस्ट है। बाकी निकलते हैं और निकलते हैं टॉप स्पीड इसकी। तो फाइनली भाई लोग इस पे टॉप स्पीड करने वाले हैं। बाकी मेरा वेट है 60 kg प्लस मेरे 5 किलो का बैग, तो 65 kg का मैं, तो 65। तो निकलते भाई लोग, कितना इसकी टॉप स्पीड निकलती है, तो भाई लोग टॉप स्पीड निकालते इसकी 20। पहुंच चुकी है भाई, तो देखना ये है कि ये टॉप स्पीड कितना जाती है भाई। खींचने में कितना चले जाती है। बाकी रोड खराब है, फिर से चांस लेंगे, अभी तो ये गई थी 102, फिर से चांस लिया जाएगा भाई, चांस लिया जाएगा। बाकी बाइक थोड़ी इसी ऐसे से हो रही है, क्योंकि भाई लोग विंड ब्लास्ट लग रहा है, प्लस इस बाइक का उतना वो नहीं है, तो यहाँ से रोड क्लियर होते हैं उसके बाद मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है पुल वाला, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ पे आपको पुल दिखेगा, तो इसके बाद ही हम लोग मिलते हैं। बाकी आप ग्रीनरी देखो, क्योंकि टॉप स्पीड तो देखने से रहे, ग्रीनरी देखो कि कैसी ग्रीनरी है। ये नहीं भाग रही है, 100 पहुंच रही है 100। तो भाई लोग ये वैसे भी सिटी यूज के लिए है, बाकी इसकी अगर टॉप स्पीड वाली बाइकें चाहिए तो N160 आ रही है, N250 आ रही है, बाकी बाइकें हैं जो कि कर सकती है, बट फिर भी आपको मैं इसकी एक बार टॉप स्पीड दिखाऊंगा कि कितना ये टॉप स्पीड मार रही है, तो वीडियो में बने रहो। बाकी आपका भाई, आपको जानते ही हो, आपका भाई आपकी इच्छा हमेशा पूरी करता है, तो इस बार भी पूरी करके जाएगा। बाकी मिरर्स में व्यू पूरा प्रोवाइड हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मिरर का। तो एक बार यहाँ से करेंगे, क्योंकि आगे भी कुछ इन्फ्लुएंसर खड़े हैं, तो यहाँ से करेंगे। एंड आगे रोड भी पूरा क्लियर दिख रहा है, तो पहला गियर देखते कितना जाता है, 38, 64, 85,
आ चुकी है गाड़ी, थर्टीन हो चुकी है, तो देखना ये कितना जाती है। 115 भाई चढ़ान है तो देखते थे, चढ़ान तो नहीं मान देते बट हाँ चढ़ान के बाद देखते कितना जाती है। पे है आज चेक कर, आप देखते भाई लोग इसकी टॉप स्पीड क्या रहती है। तो भाई लोग 114 आपके सामने है, बाकी मैं पूरा ज्यादा लेट चुका हूँ, पूरा एकदम डीन पोजीशन में हूँ। भाई लोग विंडाज को काटते हुए 116 पहुंच चुकी है और बाइक का देखना है भाई लोग क्या रहता है। बाकी अभी 8500 आरपीएम पे है और 116-117 ही कर रही है अभी तक। 116-117 करते हुए मैं वेट कर रहा हूँ भाई लोग इसकी स्पीड को भी तोड़ने की कोशिश करते हुए, संजय भाई ब्लॉग। अब देखना यह है कि मैं स्पीड इसकी तोड़ पाता हूँ कि नहीं, बाकी विंडला जा रहा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत ही वैसे स्पीड में हूँ। तो भाई ये 117 गई है अभी तक, तो जैसे कि आपने देखा इसकी टॉप स्पीड जो कि है 117-120 तक जाएगी और सही बाइक है भाई लोग। अब क्या ही लोग है भाई, ये सिटी यूज़ के लिए बनाई गई है बट अगर आप इसमें ये सब करते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया बाइक है। बाकी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस बाइक का, तो कुछ इस तरीके का है, ऐसी कुछ दिखती है ओवरव्यू बाइक। बाकी आपने देखा हमने पूरी कोशिश करी है, इसको पूरा भगाने की कोशिश करी बट नहीं निकल पाई, तो भाई नहीं निकल पाई। जितना था जितनी मैंने जोर लगा पाया भाई उतना जोर लगा दिया। बाकी थोड़ा विंड ब्लास्ट का भी रहता है कभी कभी सीन की, विंड ब्लास्ट की वजह से बाइक आगे नहीं जा पाती या ये रहता है। तो आई होप वीडियो तो पसंद आए, तो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इस बाइक के बारे में बताऊंगा इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन ब्लॉग नहीं बनाया कि कितने NM टॉर्क है, कितने PS की पावर है, कितना टॉर्क है, ये सब चीज़ें अलग ब्लॉग के लिए होती है। बाकी टॉप स्पीड तो आपको मैंने दिखाई दी कि कैसी क्या सीन है, तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, तोड़ दो बेल आइकन को भाई।